बच्चा राम है, बच्चा बच्चा राम है। हर शरीर मंदिर सा पावन है। इस देश की माटी तपोभूमि हर नाम है, हर बाला देवी की प्रतिमा बच्चा बच्चा राम है, बच्चा बच्चा राम है। इसके सैनिक समर भूमि बाला देवी की प्रतिमा बच्चा बच्चा राम है, बच्चा बच्चा राम है। छोटे छोटे प्यारे बच्चे लिखना पढ़ना सीख रहे हैं, बड़े होंगे देश का नाम ऊंचा करेंगे, जैसा कि भजन में भी गाया गया बच्चा बच्चा राम है। तो ये सारे राम बनने वाले हैं, बड़े होंगे बस दिए जाएंगे तो अच्छे संस्कार मिलते हैं। सीएन न्यूज़ की पूरी टीम आ पहुंची वेद मंदिर, एक ऐसी जगह यहाँ पे आपको दिखाई देंगे वो प्यारे प्यारे अनमोल हीरे जो चुन चुन के यहाँ वेद मंदिर में आके बस गए, और उनको बसाने के लिए, उनके चेहरों में खुशियाँ लाने के लिए यहाँ पे बहुत सारे ऐसे लोगों ने अपना जीवन दे डाला इन बच्चों की छोटी छोटी खुशियों के लिए, इनको बड़ा करने के लिए और इनको ऐसी ज़िंदगी देने के लिए। शायद ही उन्होंने अपने बच्चों को भी वैसी ज़िंदगी देने की कभी सोची नहीं होगी जो यहाँ पे बच्चों को उन्होंने अपना जीवन दे डाला। बहुत अनमोल होते हैं वो हीरे जवाहरात जो बच्चों के रूप में हमारे यहाँ पे वेद मंदिर में छोड़ जाते हैं, और जब बड़े हो जाते हैं तो ऐसी ज़िंदगियाँ, इतने बड़े बड़े ऑफिसर बन के निकलते हैं और यहाँ वेद मंदिर का नाम रोशन करके एक हस्ती खेलती ज़िंदगी को चुन लिया करते हैं। हम बैठे हैं वेद मंदिर में ऐसे बच्चों के बीच में। कहते हैं बच्चे मासूम होते हैं, बच्चों के दिल जो हैं वो बड़े कोमल होते हैं, और यहाँ पे वो दृश्य हमने देखा यहाँ आके। यहाँ फर्स्ट क्लास से लेके दसवीं क्लास तक शिक्षा दी जाती है, माँ बाप का प्यार मिलता है, खेल कूद होता है, हर वो चीज़ मुहैया कराई जाती है इन बच्चों को जो घर पे मिलती थी। आपका नाम क्या है? परवीन। परवीन, कौन सी क्लास में पढ़ते हो? छठी कक्षा। छठी कक्षा में? कितने साल हो गए यहाँ आए हुए? ये मेरा यहाँ पे चौथा साल चल रहा है। कैसा लगता है यहाँ पे? यहाँ पे हमें बहुत अच्छा लगता है, पढ़ने को मिलता है, खेलने को, हमें यहाँ सब कुछ मिलता है, तो हमें यहाँ बहुत अच्छा लगता है। घर की याद भी आती? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आती है कभी कभी, बीच में आती है। जी, एक ये बहुत प्यारा सा बच्चा, क्या नाम है तुम्हारा? आदित्य शर्मा। आदित्य शर्मा, कौन सी क्लास में हो? फिफ्थ क्लास में पढ़ रहा आदित्य शर्मा। क्या कहना है तुम्हारा, कैसा लगता है यहाँ पे रह के? बहुत अच्छा। अच्छा लगता है, खुश हो, खेलते हो, पढ़ते हो, सोते भी हो, उठते भी हो, और शरारतें भी होती है। अनगिनत बच्चों की अनगिनत कहानियाँ, बहुत सारे बच्चे, इतने इंटेलिजेंट बच्चे हैं। ये बच्चा बहुत सुंदर टी शर्ट डाली है आपने, क्या नाम है आपका? नितिन शर्मा। कौन सी क्लास में पढ़ते हो? सिक्स में। मैंने सुना है कि आपने बहुत अच्छे मार्क्स लिए।
फिफ्थ में लिए थे अभी। फिफ्थ में लिए थे, बड़े ओके। क्या बनना चाहते हो? आर्मी में जाना चाहते हैं। आर्मी, क्या करोगे आर्मी में जाके? देश की रक्षा करेंगे। देश की रक्षा करना चाहता है ये बच्चा। हर किस्म का जज्बा है यहाँ के बच्चों के अंदर। कोई डॉक्टर बनना चाहता है, कोई इंजीनियर बनना चाहता है, कोई आर्मी का बड़ा ऑफिसर बन के देश की वो सेवा करना चाहता है। इन प्यारे बच्चों को ये सब कौन बना रहा है? आइए ज़रा मिलते हैं उन सब से और जानते हैं उनके बारे में, कैसे उन्होंने इन बच्चों के लिए वो जीवन दे दिया और इनको बड़ा करने में उनकी कितनी मेहनत है, आइए जानते हैं। कैसा मंदिर? वेद मंदिर। यहाँ की प्यारी प्यारी बच्चियाँ इतनी खूबसूरत कि देखने को जी चाह रहा था बार बार। सुंदर सी आंखें, खूबसूरत सा मासूम सा चेहरा, और इन चेहरों के पीछे छुपे हैं बहुत बड़े बड़े ख्वाब। क्या नाम है आपका? जानवी। जानवी, बहुत प्यारा नाम है। किसने रखा आपका नाम? पापा ने। पापा ने रखा था। कौन सी क्लास में पढ़ते हो? थर्ड। थर्ड में क्या बनना चाहते हो? डॉक्टर। डॉक्टर, क्या करोगे डॉक्टर बनके? क्या करोगे डॉक्टर बनके? इलाज करोगे? हाँ। क्या नाम बताया आपने? श्रेया। श्रेया, मैंने सुना श्रेया गाती बहुत अच्छा है, तो जरा श्रेया की आवाज़ नहीं सुना जाए? क्या बोलती है बताओ, जरा कौन सा गाना सुनाओगे? रूठी है शब्दे रब्बा। आगे? रब्बा दिल भी है रूठा, सब कुछ है बिखरा बिखरा, बिखरा सा रूठा रूठा, चुप माही चुप है राजा, बोले कैसे वे राजा, बोले कैसे वे राजा। अभी इनकी उम्र बहुत छोटी है, जब बड़ी होंगी शादियां करेंगी, दुआ करेंगे कि रांझा जो होगा बहुत प्यार मोहब्बत से इनको रखे। प्यारी बच्चियाँ, वेद मंदिर की खूबसूरत अल्फाज थे, इन बच्चियों के खूबसूरत से सपने सजोए हुए बैठी हैं ये बच्चियाँ। अमिता शर्मा, एक ऐसा जाना माना नाम वेद मंदिर का, अपने घर गृहस्थी की रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी होने के बाद इन्होंने सोचा कि अपना जीवन जो है वो बच्चों के नाम कर दिया जाए। हर इंसान पहले अपने लिए सोचता है, समाज के लिए सोचना बहुत बड़ी बात होती है। ये अच्छा काम किया अमिता शर्मा जी ने। आइए जानते हैं अमिता शर्मा जी से कुछ ऐसी बातें कि कैसे उन्होंने अपना जीवन वेद मंदिर के नाम कर दिया। अमिता मैम, CN न्यूज़ में आपका हार्दिक स्वागत करते हैं और जानना चाहेंगे ऐसी क्या बात हुई कि आपका मन किया कि मैं अपना जीवन अब बच्चों के नाम कर दूं? एक्चुअली बात यह है कि मुझे शुरू से ही एक लगाव था कि सोशल सर्विस करने का, जैसे कि किसी को भी मैं देखती थी तो मैं सोचती थी कि मैं किस तरीके से किसकी हेल्प कर सकूं। इसके पीछे तो मेरे हस्बैंड का बहुत हाथ था, क्योंकि मैं जॉब करती थी, लेकिन कभी भी उन्होंने मुझे नहीं पूछा कि तुम पैसा कहाँ छोड़ती हो, क्या करती हो। उसमें से मैं कुछ हिस्सा ऐसे ही कामों में लगाती थी यहाँ की मुझे सुकून मिल सके। मुझे याद है एक वो किस्सा, जब आप कहीं निकल रहे थे मार्केट में और आपने दो माँ बेटों को वहाँ पे भीख मांगते हुए देखा और आप उनको घर ले आए, तेरा हम जानना चाहेंगे। वो जो माँ बेटे थे वो एक अच्छी फैमिली से बिलोंग करते थे और मैं उनको अच्छी तरह से जानती थी। मैं एक बार मंदिर में गई तो मैंने उनको बाहर जब देखा भीख मांगते हुए, मुझे बहुत महसूस हुआ कि ऐसी कौन सी चीज़ है जो कि उनके ऊपर ऐसा हुआ है, क्योंकि उनको घर से उनके फादर ने निकाल दिया था और जो लेडी थी उसके हस्बैंड ने उसको निकाल दिया था घर से, और कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं था उनका। तो आप उनको उठा के अपने घर ले आए? जब देखा उन्होंने नज़रें चुरा के मेरे से नीचे कर ली, लेकिन मुझे कुछ ऐसा लगा कि ऐसा क्यों कर रहे हैं, मैं उनको बोल के घर ले आई अपने। बहुत बड़ा दिल है आपका अमिता मैम, कि किसी इंसान को जो उनकी फैमिली ने उनको घर से निकाल दिया और आपने उनको अपने घर पे रखा और उनके लिए बहुत कुछ किया। और भी अनगिनत कहानियाँ किस्से हम आपके बारे में सुनते रहते थे कि आप अपनी कमाई का बहुत बड़ा वाला हिस्सा जो था चोरी छुपे आप लोगों की सेवा करती रहती थी, वो जज्बा कैसे आया? हालांकि आपकी भी दो बेटियाँ थी।
मेरे हस्बैंड ने कभी भी मुझे नहीं पूछा, वो जो घर का सारा काम था वो मतलब अच्छे उनका बिजनेस था, वो कभी भी उन्होंने मेरे पैसे के लिए नहीं पूछा और मुझे हमेशा इनकरेज किया कि यहाँ तुम खर्च करना चाहती हो करो। उसमें से मुझे ये लगा कि सब कोई हर रिश्तेदारों में तो खर्च करता है, हर जगह खर्च करता है, लेकिन गरीब पे या किसी जो है लाचार उस पर कोई खर्च करना एक अच्छा सुकून मिलता था। मैं उसी तरह से हमेशा करती रही। यहाँ मैंने देखा इस आश्रम में बच्चे आपको माँ की तरह देख रहे थे, आपके अंदर वो माँ वाला जो प्यार बच्चों के लिए मैंने देखा और आपकी जो चेहरे की स्माइल जिसको देख के बच्चे खुश रहते हैं, उसके पीछे राज क्या है? उसके पीछे राज ये है कि मेरी दो बेटियां थीं, उनकी शादी हो गई। जब शादी हो गई, वैसे शुरू से ही वो कहते थे, लेकिन उसकी शादी के बाद उसके हस्बैंड ने मुझे इतना एनकरेज किया, वो भी मुझे माँ की तरह समझते थे क्योंकि मुझे बेटे की कभी उन्होंने कमी नहीं महसूस होने दी। तो उसके बाद हमेशा मैं जब यहाँ आती थी तो बोलते वो अपने बच्चों के दिन जन्मदिन कुछ करना है तो यहीं पे करते हैं, और वो मुझे भी एनकरेज करते थे कि हमेशा आप अब सर्विस के बाद वहीं पे बच्चों की सेवा करो। तो इसीलिए आज मुझे हमेशा से शुरू से था, लेकिन उनकी एनकरेज। कितने साल हो गए आप वेद मंदिर में जब से आप आए हो? मुझे 8 साल हो गए हैं वेद मंदिर में। बाकी वैसे मैं 18 साल से ऐसा सोशल वर्क कर रही हूँ जो कि मेरे भारत विकास परिषद के पीछे छुपा हुआ है। सी कैसा लगता है ऐसे अनमोल हीरे जो वेद मंदिर में है, जिनका पता नहीं माँ बाप कौन है? बच्चों को कभी दुख होता है इस बात का कि भाई ऐसी बात होती है? जिस दिन वो होता आते हैं, जिस दिन आते हैं मैं उनको जैसे लेती हूँ तो वो रोना शुरू करते हैं। उनको लगता है कि मुझे छोड़ के चले, क्योंकि किसी के तो माँ बाप नहीं है, किसी के बाप है तो माँ नहीं है, किसी की माँ है तो बाप नहीं है, मतलब इस तरह का उनका सिचुएशन है कि जब उनको छोड़ते हैं तो वो रोते हैं एक दिन के लिए, दो दिन के लिए। जब दो दिन के लिए मैं उनको इतने मतलब उनके साथ मैं ऐसा ट्रीट करती हूँ कि चार दिन के बाद जब कोई पूछता है कि आपको यहाँ कैसा लग रहा है तो कहता है बहुत अच्छा लग रहा है, नहीं जाना मुझे घर। छुपा हुआ है अमिता मैम की वो ममता, वो प्यार। मैम कभी ऐसा हुआ है कि बहुत सारे दुनिया में फेक लोग भी हैं जिनके माँ बाप होते हुए भी वो चाहते हैं कि अपना जो बोझ है वो बच्चों को बोझ समझते हैं और वो आपके यहाँ अनाथ आश्रम में जाके छोड़ देते होंगे, क्या आप इंक्वायर करते हैं ऐसे लोगों के लिए? हाँ, ऐसा तो देखा है, लेकिन ऐसे वैसे हैं भी नहीं ऐसे लोग यहाँ पे। सब जो हैं वो बेचारे इतने गरीब और कहीं दूर दराज गांवों से आए हुए हैं कि ऐसा नहीं है कि वो माँ बाप उनको बोझ समझते होंगे। उनका अपना ही आप ही उनके ऊपर एक बोझ होता है, किसी कोई बेचारा मजबूर होता है तो इधर छोड़ता है। ऐसे वैसे ऐसी कोई कहानी नहीं है कि कोई ऐसा कभी हुआ कि जब इनके पेरेंट्स में से जो भी हैं वो मिलने के लिए आते हों तो बच्चों ने बोला कि अब हम घर जाना चाहते हैं या यही रहना चाहते हैं? वही एक कहानी है कि बच्चे इतने खुश होते हैं कि छुपते हैं कि कहीं हमें लेके ना जाएं। और कभी मैं उनसे पूछती हूँ बेटा आपने ऐसा क्यों किया? नहीं मैम हमें नहीं जाना है। मैंने कहा क्यों नहीं जाना है? तो उनके माँ बाप वही हैरान होते हैं कि जब हम छोड़ के गए तो रो रहे थे, आज कहते हैं घर नहीं जाना है। कहते हैं अनाथ आश्रम एक बड़ा खौफनाक सा शब्द है, लोग डरते हैं अनाथ आश्रम वृद्धाश्रम से। मुझे लगता है कि यहाँ जिंदगी ज़्यादा सुकून भरी है, क्या कहना है उस बारे में? हाँ, बच्चे तो बहुत खुश हैं क्योंकि उनको जो लोग हैं यहाँ के, मैं सोचती हूँ कि इतना कोऑपरेट करते हैं, इतना ज़्यादा किसी भी चीज़ की ज़रूरत थी उनको कमी महसूस नहीं होती। हम किसी से डिमांड करते हैं जैसे कि इन बच्चों को ये चीज़ की ज़रूरत है तो उससे दुगनी यहाँ आएगी। मुझे लगता है जो गरीब परिवार के बच्चे जो यहाँ पे आते हैं जिनके माँ बाप नहीं हैं या कोई माँ बाप हैं भी तो अफोर्ड नहीं कर पाते और बच्चों को यहाँ छोड़ जाते हैं, घर पे तो उनको इतना खाने को भी नहीं मिलता है ना, उनका रहन सहन भी इतना अच्छा नहीं होता। यहाँ मैं देख रही थी कि टाइम टू टाइम हर चीज़ प्रोवाइड की जा रही है, मतलब हेल्दी रहने के लिए बच्चों को जूस वगैरह दिए जाते हैं, टाइम टू टाइम पढ़ाई हो रही है, अच्छा रहन सहन है। फिर ये खौफनाक शब्द जो है अनाथाश्रम, इसके बारे में आप क्या मैसेज देना चाहते हैं? आप क्या मैसेज देना चाहते हैं? ये वैसे कहा गया है
लेकिन बच्चों में वो खौफनाक नहीं है, क्योंकि बच्चों को तो अपना घर ही दिखता है। यहाँ के बच्चे, एक साइंटिस्ट गुजरात गवर्नमेंट में एक साइंटिस्ट है और पुलिस में भी है, एक कहानी है छोटी सी कि एक बच्चा यहाँ आया, पुलिस की सर्विस करता है, तो वो आया तो वो सामान लेके आया था काफ़ी बच्चों में बांटने के लिए, पहली तनख्वाह का। तो मैंने यहीं से बच्चा, तो मैंने उसको ऐसे तो अनगिनत बच्चे बड़े बहुत से बच्चे जो कभी कोई डॉक्टर बन चुका होगा, कोई बड़ा पुलिस का ऑफिसर बन चुका, अच्छे अच्छे बच्चे हैं यहाँ से। तो क्या वो मिलने आते हैं यहाँ पे, मतलब जब आते बड़े हैं, बन जाते आते हैं, हैं। मैं वही बता रही हूँ, एक आपको छोटी सी कहानी बता रही हूँ। पुलिस में एक लड़का था, वो आया तो काफ़ी सामान लेके आया। मैंने उसको पूछा, बेटा आप कहाँ मतलब जॉब करते हो? कहता पुलिस में। मैंने कहा आप कहाँ के हो? कहता मैम मेरा यही घर है। जब उसने मुझे कहा यही घर है, मुझे बहुत फील हो गया उस समय। तो मैंने कहा चलो आज तुम्हें ये याद है कि ये बच्चे भी मेरे हैं, भाई बहन है। उसने बहुत अच्छे तरीके से इतना सामान लाया था, बच्चों में बांटा। मैंने उसको कहा कि हमेशा के लिए याद रखना ये चीज़। ये थी अमिता शर्मा मैम, अनगिनत बच्चों की माँ, और आज कुछ किस्सा सुनाते सुनाते इनकी आँखें भर आई। ऐसा प्यार देने वाली माँ को CN न्यूज़ की तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं और बहुत सारी ब्लेसिंग्स, जो इतने सारे बच्चों की जिंदगियों में इतना प्यार देने वाली ऐसी औरत को CN न्यूज़ बहुत रिगार्ड करता है। और CN न्यूज़ की ये मुहिम हमेशा जारी रहेगी, ऐसे ही अनगिनत स्टोरीज आप तक पहुँचाने का बीड़ा उठाया है संध्या गुप्ता ने सनी के साथ। हमें दीजिए इजाज़त, फिर मिलेंगे किसी और शख्सियत के साथ। तब तक जय डूंगर। CEN News, देश प्रदेश की ताज़ा तरीन खबरों के लिए CEN News को सब्सक्राइब करें और रहें पल पल की खबर से हर पल बाखबर।